आगरा में श्रीमती मीना देवी इंटर कॉलेज में स्कूल टॉपरों का हुआ सम्मान। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर मीडियम की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने पर ग्राम ब्रह्मनगर में स्थित श्रीमती मीना देवी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान सफलता की खुशी विद्यार्थियों और टीचर्स के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वहीं 12वीं में स्कूल टॉप करने वाली छात्रा तनु दिवाकर ने बताया कि माता पिता के सहयोग और गुरुजनों के मार्गदर्शन, उनकी मेहनत से यह मुकाम हासिल हुआ है। वहीं उन्होंने भविष्य में भी सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर देश सेवा करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं 10वीं में यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ स्कूल टॉप करने वाले तीरथ राजपूत ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि उनके पिताजी ऑटो चालक हैं और उनकी सफलता पर उनके माता पिता को बेहद खुशी है। वहीं उन्होंने इस सफलता के लिए अपने टीचर्स का काफ़ी सहयोग बताया। उन्होंने बताया कि वह एनडीए की परीक्षा पास कर देश सेवा करना चाहते हैं। वहीं स्कूल प्रबंधक राजेश अरेला ने बताया कि विद्यार्थियों के इतने अच्छे अंक प्राप्त करने पर उन्हें बेहद खुशी है। वहीं उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। देखिए एक रिपोर्ट। मेरा नाम तनु दिवाकर है, सोना की घड़ी से हूँ। इंटर की परीक्षा देते हुए आपने स्कूल टॉप किया है, तो कितनी आज खुशी हो रही है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि टॉप बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी सोचा था कि आप स्कूल टॉप करेंगे? सोचा तो नहीं था, पर एक सपना था। सपना जरूर देखा स्कूल टॉप करने का। तनु कितने घंटे प्रतिदिन आपने पढ़ाई की इस मुकाम को हासिल करने का? जैसे ही जैसे, वैसे तो स्कूल के बाद तो बहुत कम टाइम मिल पाता था, क्योंकि ट्यूशन्स होते थे, फिर उसके बाद 4-5 घंटे ही दे पाती थी मैं सेल्फ स्टडी को। पर जैसे ही जैसे पेपर पास आते गए तो मैंने स्टडी को टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया, तो 10-12 आवर मैंने। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं। आज उनको कितनी खुशी हो रही है जब उनकी बेटी ने आज स्कूल टॉप किया है, उनका नाम रोशन किया है? पिताजी को बहुत खुशी हो रही है, माताजी को भी बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्य की बात करें तो क्या बनना चाहते हो आप भविष्य में? भविष्य में मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। कौन से स्कूल से आपकी जो पढ़ाई है अब तक की? मैंने शुरू से ही श्रीमती मीना देवी इंटर कॉलेज में ही पढ़ाई करी है, बचपन से ही मैं यहाँ पर पढ़ी हुई हूँ। मेहनत आपकी रही, लेकिन जब आप सफल हुई हैं तो किन किन का सहयोग रहा? सबसे पहले तो टीचर्स का, फिर उसके बाद माता पिता का सहयोग है सबसे ज़्यादा। मेरा नाम है तीरथ राजपूत, मैं बढ़ेरा से हूँ, पोस्ट यहाँ से जिला आगरा, और मैंने श्रीमती मीना देवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया। और आपने स्कूल टॉप किया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है, और सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता को खुशी हो रही है। पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं? मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं। बताओ, ऑटो चालक हैं आपके पिताजी, और पढ़ाई जब इस दौर में हो, आजकल पढ़ाई इतनी आसान नहीं रही है, बहुत महंगाई का दौर है, तो किस प्रकार से उनका हार्ड वर्क रहता था यहाँ तक आपको पहुँचाना? वो सोए जाते थे और शाम तक खूब मेहनत करते थे मेरे लिए, और मेरा भाई है, उसके दोनों के लिए खूब मेहनत की उन्होंने। जब ऐसे में आपने स्कूल टॉप किया है तो पिताजी को कितनी खुशी हो रही है? मेरे पिताजी को बहुत खुशी हुई, और खुश दिखानी। क्या योजना है, क्या बनना चाहते हो? मैं बस उसमें एनडीए की पढ़ाई से पुलिस में जाता है, पुलिस में। टीचर्स का कितना सहयोग रहा? टीचर्स का बहुत सहयोग। सर बताओ, प्रबंधक आपको कितनी खुशी हो रही है आज आपके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यूट्यूब पर? मुझे इतनी खुशी हो रही है, जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार करते हो और ये अपेक्षा करते हैं कि आगे जा कर के मेरा भविष्य, मेरा नाम रोशन करेंगे, तो ठीक वही खुशी मुझे इस समय अपनी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ते हुए देख करके मुझे हो रही है। और भी विद्यार्थी हैं, अगला कड़ा इम्तिहान फिर आने वाला है 1 साल बाद, उनके लिए किस प्रकार का मैसेज रहेगा? जैसे कि ये दोनों बच्चे हैं, ये टॉपर में हैं, लेकिन इनसे इनके समकक्षी बच्चे हैं, 91% वाले करीब 15 बच्चे होंगे, और इंटर में भी 90+ वाले बच्चे हैं, लेकिन ऐसा इनके अलावा भी आगे वाले बच्चे हैं। मैं उनसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन बच्चों का सम्मान हो रहा है और ये अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार से उनका भी विद्यालय में सम्मान किया जाएगा, और आगे आने वाले समय में
इन्हें सार्वजनिक रूप से जो बच्चे मेधावी बने हैं उनको बुलाएंगे और इनको पुरस्कार रूप कुछ न कुछ हम इन्हें भेंट करेंगे। सर, पढ़ाई के आपके स्कूल से ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके स्कूल का भी नाम रोशन किया है, अब ये बाहर जाएंगे तो आपकी तरफ से जैसे किस प्रकार का सहयोग रहेगा इनकी शिक्षा के लिए? जैसे कि मेरी बच्ची ने इसने 12th किया है और ये बच्ची बहुत ही होनहार है, तो मैंने इनके घर वालों को भी ये सुझाव दिया है कि देखिए ये बच्ची सब कुछ कर सकती है, अगर इसको हम आप मिल करके इसको सहयोग करें। मैं इसको हर गाइडेंस जो भी है मेरे बन सकेगा मैं दूंगा और इनके घर वालों से भी इनके से कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लड़की एक दिन IAS का भी फाइट कर सकती है, इसके मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर लड़के के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये कहना चाहूँगा जो इन्होंने स्टूडेंट्स ने हमारा 2024 में टॉप किया है इंटरमीडिएट में, तन्नू दिवाकर ने, वो सोनागढ़ी से आती थी, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। दूसरा स्टूडेंट हमारा हाईस्कूल का है, इन्होंने 10th क्लास में टॉप किया, उनका नाम है तीरथ राजपूत। तो इन सब के लिए ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो छात्र हैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनसे भी यही कहना चाहूँगा वो कड़ी से कड़ी मेहनत करें, जो कठिन मेहनत करता है सबको सफलता जरूर मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है, यही कहना चाहूँगा। और भी विद्यार्थी हैं तो नेक्स्ट सेशन में आने वाले समय के लिए उन विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ कहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे मेहनत कड़ी मेहनत की, इनसे ज़्यादा और नंबर लाने की कोशिश करें, और जो टीचर्स काम देते हैं उन्हें करके लेके आएँ और घर पे भी मेहनत करें, यही कहना चाहूँगा, अच्छे से मेहनत करें। जब स्कूल से विद्यार्थी टॉप करें तो उस समय किस प्रकार का अनुभव रहता है? सर, सबसे पहले अध्यापक को जो पढ़ाते हैं उनको बहुत खुशी होती है, खुशी के ठिकाने नहीं रहते, रात में नींद भी नहीं आती, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे सर, क्योंकि हमारा जो स्टाफ था उन्होंने रात दिन बहुत मेहनत की थी बच्चों के लिए। रात में कॉल भी बच्चे करते थे कि सर ये वाला क्वेश्चंस कैसे हुआ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिलाकर टॉप कराना है। हमारा टारगेट था आगरा में 1st नंबर पाने का, लेकिन कुछ मिस हो गया, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर अच्छी कोशिश करेंगे आगरा टॉप करने की, यही हमारा, हमारे प्रबंधक जी हैं उनका सपना है।